मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर का मौलिक ग्रंथ है बीजक। उनके नाम से बहुत सारी वाणियां प्रचलित हैं और उनमें भी कबीर साहब की बहुत सारी वाणी हो सकती हैं, लेकिन उनका मौलिक और प्रामाणिक ग्रंथ बीजक है। बीजक का दूसरा प्रकरण, दूसरा अध्याय कहो, वह है शब्द विभाग। उसके ये शब्द के प्रारंभ में सद्गुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत ना ही आंधर भये हियहु की फूटी। इसके आगे और आठ पंक्तियां हैं, पहले हम इन्हीं दोनों पंक्तियों पर थोड़ा विचार करें। सद्गुरु कहते हैं, मनुष्य न तो हरि का भजन करता है और न उसकी गंदी आदतें छूटती हैं। शब्दों को समझकर मनुष्य अपना सुधार नहीं करता, मनुष्य के व्यवहार को देखकर, कर्म को देखकर, वाणी को देखकर, रहन सहन को देखकर ऐसा लगता है कि इसके बाहर के नेत्र तो फूट ही गए हैं, इसके भीतर के जो विवेक विचार के जो दो नेत्र होते हैं वे भी फूट गए हैं, आदमी बाहर भीतर दोनों तरह से अंधा बन गया है। और जो बाहर भीतर दोनों से अंधा बना हुआ है उसे तो जगह जगह ठोकर खानी ही पड़ेगी। पहली बात साहब कहते हैं, मनुष्य न तो हरि का भजन करता है न इसकी गंदी आदत छूटती है। इसका अर्थ यह हुआ, अपनी गलत आदतों का सुधार करना यही हरि का भजन करना है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन सेवन न करना, जानबूझकर कोई ऐसा काम न करना जिससे दूसरे को तकलीफ हो, गलत बात न बोलना, लड़ाई झगड़ा विवाद किसी से न करना, कोई विवाद कर रहा हो तो उसे चुपचाप सुन लेना, सहन कर लेना, शांत रहना, ये सब हरि भजन है। मंदिर में पूजा करता है आदमी, कोई माला फेरता है, कोई नाम जपता है, कोई गंगा स्नान करता है, कोई किसी नदी में स्नान करता है, किसी ग्रंथ का पाठ करता है, कीर्तन करता है, वो भी एक प्रकार का हरि भजन है। लेकिन वो हरि भजन बाहर बाहर का है, उससे जीवन में बड़ा अंतर नहीं होगा। असली हरि भजन क्या है? अपने जीवन का सुधार। पहली बात ये समझें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख आता है तो वह दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है, हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए बहुत संभाल कर कर्म करने की आवश्यकता है। खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसी ही फसल उगती है और तैयार होती है। आप गेहूं का बीज डालोगे खेत में, गेहूं की फसल होगी। चने की बीज डालोगे, चने की फसल होगी। धान का बीज डालोगे, धान की फसल होगी।
जैसा बीज आप डालेंगे वैसी फसल आपकी तैयार होगी, वही आपको खाना पड़ेगा। ये जीवन भी एक खेत है, इसमें कौन सा बीज डालना चाहते हैं, जैसा बीज आप डालेंगे, भले कर्मों का बीज डालेंगे तो भलाई होगी, आपको सुख मिलेगा, बुरे कर्मों का बीज डालेंगे तो बुराई होगी, आपको दुख मिलेगा। गोस्वामी जी का एक दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो लहे निदान। यह शरीर खेत है, मन वचन और कर्म किसान हैं, पाप और पुण्य ये दो बीज हैं, पाप का बीज बोएंगे दुख की फसल तैयार होगी, पुण्य का बीज बोएंगे सुख की फसल तैयार होगी। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कौन सा बीज बोना चाहते हैं, स्वतंत्र है। कर्म करने में हर आदमी स्वतंत्र है, जैसा आप करो, लेकिन कर्म कर लिए तब परिणाम भोगने में स्वतंत्र नहीं है। परिणाम भोगने में तो आप परतंत्र हैं, हर आदमी परतंत्र है। आग में हाथ डालना है या नहीं डालना है आपकी मर्जी, आग में हाथ ना डालो, या तो आप आग में हाथ डाल दो। आग में हाथ नहीं डालेंगे आपका हाथ नहीं जलेगा, लेकिन आपने आग में हाथ डाल ही दिया तब हाथ जलेगा और उसकी पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। ये सबके लिए है, साधु महात्मा भी यदि आग में हाथ डालते हैं तो उनका भी हाथ जलेगा। आग ये नहीं सोचेगी, अरे भाई ये तो साधु महात्मा है, इसके हाथ तो नहीं जलाऊंगी। छोटा बच्चा है, खेलते खेलते आग के पास पहुंच गया और आग को पकड़ लेता है, आग ये न सोचेगी कि छोटा बच्चा है, भूल से पकड़ लिया है मुझे, इसलिए के हाथ तो जलाऊंगी नहीं, उसका स्वभाव है जलाना। बच्चा भूल से पकड़ता है कि जानकर पकड़ता है, किसान पकड़ता है कि महात्मा पकड़ता है, गृहस्थ पकड़ता है कि जवान पकड़ता है, इसे कोई मूल्य नहीं है। जो आग पकड़ेगा उसका हाथ जलेगा। आग आपने पकड़ लिया, अब हाथ जल गया तो अब पीड़ा भोगने में आप परतंत्र हैं, भोगना ही पड़ेगा, दो चार छह दिन, आठ दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, महीना दिन, जब तक घाव ठीक नहीं होगा तब तक। ये तो उदाहरण है, ऐसे ही कोई भी काम कर लो, काम करना है या नहीं करना स्वतंत्र है, लेकिन फल तो आएगा ही आएगा। हो सकता है बाहर का फल ना आए, लेकिन भीतर का फल तो आएगा ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने खेत में धान का बीज बोया, खेत जोता, धान सींचा और खाद पानी डाला, धान के बीज अंकुरित हुए, पौधा हुआ, फसल लहलाने लगी, और यहां तक धान में बालियां आई, धान पक गए, लेकिन अचानक खेत में भयंकर आग लग गई, आपको बीज नहीं मिला, फसल तैयार नहीं हुई, अचानक भयंकर वर्षा हो गई, अब बड़े बड़े पत्थर गिरे, बर्फ पड़ने लगी, आपने मेहनत तो पूरी की लेकिन भयंकर वर्षा हुई, बड़े बड़े पत्थर गिरे, सारे के सारे फसल पानी में डूब गए और बेकार गई, आपको फसल तो नहीं मिली। बाहर ऐसा होता है कई बार, आप लोग तो महानदी के किनारे बसे हुए हो,
कई बार लोग गर्मी में महानदी में कुछ साग सब्जी तरबूज खरबूजा आदि लगाते हैं, और कभी कभी वर्षा होती है, बाढ़ आती है, सबके सब फसल बहकर खराब हो जाती है, मिनर बेकार चली जाती है। लेकिन जीवन की फसल ऐसी है, जीवन का खेत ऐसा है कि इसमें जो बीज बोओगे उसकी फसल तैयार होगी। किसी की को गाली दोगे मन खराब होगा, किसी की सेवा करोगे अंतःकरण प्रसन्न होगा, शुद्ध अच्छे संस्कार बनेंगे। गाली देने से गलत संस्कार बनेंगे, सेवा करने से अच्छे संस्कार बनेंगे। संस्कार बनना ही बनना है। इसलिए बहुत संभाल कर कर्म करने की आवश्यकता है। जोश में आकर कर्म न करें, लोभ में पड़कर काम न करें, सोचे विचारें। कोई भी काम आप करने चल रहे हैं तो एक बात सोचो, हर आदमी जो काम करता है वो तो ये सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूं बढ़िया काम कर रहा हूं, गलत काम करने वाला भी ये सोचता है कि मैं काम ठीक ही कर रहा हूं। लेकिन काम ठीक है कि गलत है इसकी पहचान क्या है? कैसे माने कि ये काम ठीक है या कैसे ये काम गलत है? हर आदमी तो कहता है कि मैं गलत काम कभी नहीं करता। यदि कोई आदमी गलत काम नहीं करता है तो दुनिया में ये समस्याएं कहां से आ रही है, गड़बड़ियां कहां से आ रही है? हर आदमी अच्छा काम करे तो गड़बड़ी तो आएगी नहीं। इसका मतलब यह है कि आदमी से गलत काम हो रहे हैं, तो गलत काम क्या है फिर? देखो, जब आप कोई काम करने चलो, आपके मन में कोई काम करने की इच्छा जगे, अब काम करने चलो, तो एक सोच लो, जो काम मैं करने जा रहा हूं, जो काम करने को सोचा हूं, यही काम मेरा बेटा करेगा, मेरा पिता करेगा, मेरा भाई करेगा, मेरी पत्नी करेगी, मेरी सास करेगी, मेरी बहू करेगी, तो मुझे कैसे लगेगा? बस एक बात सोचो, जो काम मैं करने जा रहा हूं यही काम भाई करता है, बेटा करता है, पिता करता है, पत्नी करती है, सास करती है, बहू करती है, मुझे कैसे लगेगा? और यदि आपको लगेगा कि ये काम बेटा करता भाई करता बुरा लगेगा, तो वो काम बुरा आप मत करना। ये पहचान है। इसके लिए बेशास्त्र गवाही नहीं चाहिए, किसी पूछना नहीं पड़ेगा। और जो बात आप कहने जा रहे हैं, ठीक है, आदमी तो बात करता ही है, आदमी के पास ही वाणी की शक्ति मिली हुई है। जानवरों के पास तो वाणी शक्ति नहीं, वो बोल नहीं सकते। कभी आप बात करने जा रहे हो तो ये सोचो कि यही बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बेटा कहे, पिता कहे, पुत्र कहे, भाई कहे, पत्नी कहे, सास कहे, बहू कहे, तो कैसे लगेगा? और लगता है कि ये बात मेरा बेटा मुझे कहे, मेरा पिता मुझसे कहे, मेरा भाई मुझसे कहे, अब मुझे अच्छी बात नहीं लगेगी, समझ लो बात गलत है, वो बात तेरी जवान से मत निकालो। ये सीधी की पहचान है। आप ये कह साहब, हम तो बहुत ज्ञानी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें क्या मालूम है कि क्या काम सही क्या काम गलत? भले आप वेदशास्त्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपने दिल को तो पढ़ सकते हो ना। आपका दिल क्या चाहता है? दिल की किताब हर आदमी के पास है, और हर आदमी दिल की किताब को पढ़ सकता है। दिल की किताब पढ़ने के लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का मन जानता है कि मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं चाहता हूं। शुरुआत अपने आप से, अपने अंतःकरण से पूछो। आदमी तो जोश में रहता है, और जोश में होश थोड़े रहता है कि होश नहीं रहता है तो गलत से गलत काम कर लेता है। मैंने आपको ये परीक्षा दी कि जो काम करने जा रहा हूं दूसरा करेगा तो कैसे लगेगा,
जो बात बोलने जा रहा हूँ दूसरा करेगा तो कैसे बात लगेगी? गलत लगती है बात तो मत बोलो, गलत लगता है काम तो मत करो। और ये लगता है कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ, ये काम यदि मेरा बेटा करे, मेरा पिता करे, घर के लोग करें, तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। तो आप निश्चिंत होकर वो काम करें, क्योंकि वो काम बहुत बढ़िया काम होगा। और जिस बात को सुन करके दूसरे आदमी आपको कहे, जिस बात को सुन करके आपका मन खिल जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो बात बढ़िया होगी। और निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के आप वो बात बोलो, क्योंकि उस बात से और उनको भी प्रसन्नता ही मिलेगी। नियम सबके लिए एक जैसा होता है, कसौटी अपने आप से करें। हम कसौटी अपने आप से नहीं करते हैं, इसीलिए गड़बड़ियां होती हैं। और यदि आदमी शुरुआत अपने घर से कर लेना, बहुत कुछ बुराइयों से बच जाए। यदि कोई चोर चोरी करता है, चोर तो ये समझता है चोरी करना बढ़िया है। कितने लोग तो कहते हैं भैया, अरे का रात दिन खेत में जाओ, खलिहान में जाओ, पानी में, गोबर में, माटी में काम करो, एक रात निकलता हूँ, दांव लगता है, 6 महीना बैठकर आराम के साथ खाता हूँ। चोर भी ऐसा कहता है, लेकिन प्रश्न यह है, चोर का जो चोर है उसका बेटा उसी के घर में चोरी करे तो उसे कैसे लगेगा? कहेगा वाह बेटा तू बड़ा साधा, तू मेरा बेटा है ना, मेरे रास्ते पर चल रहा, अच्छा है, मैं बाहर चोरी करता हूँ और तू घर में चोरी किया कर। वो कहेगा कोई चोर ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो चोर को अपने बेटे का चोरी करना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब चोर समझता है चोरी करना गलत है, लेकिन लोभ में पड़ करके वो गलत कर रहा है। एक आदमी शराब पीता है, ठीक है, शराब पीने से क्या नुकसान होता है नहीं होता मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। कोई शराबी शराब पीता है तो अच्छा समझ करके ये तो पीता है, सोचता है शराब पीता हूं तो आनंद में आ जाता हूं, मौज में आ जाता हूं, और शराब पी लिया तो एकदम स्वर्ग में उड़ने लगता हूं। आदमी तो ये सोचता है अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा करना, कल अपने घर भर को शराब पिलाना, वो भी सब मौज में उड़ेंगे, स्वर्ग में पहुंचेंगे। जैसे आपको आनंद आता वैसा आप क्या चाहते हैं? मैं भी सुख से रहूं और घर वाले भी सुख से आनंद से रहे। तो आप भी शराब पियो, अपने बेटे को, बेटा तू जरूर शराब पीना, बड़ा आनंद आता है, कहोगे ऐसा? कोई शराबी कहेगा अपने बेटे को? इधर एक दुकान है और वहां जितने शराब पीने के लिए जाते हैं, उन लोगों को कहो भैया क्या तुम्हारा बेटा शराब पिए तुम्हें कैसा लगेगा? कोई कहेगा शराबी भी मुझे बहुत बढ़िया लगेगा? किसी शराबी हिम्मत नहीं है। इसका मतलब यह है कि शराबी भी समझता है कि ये गलत है, फिर भी आदत वक्त पी रहा है। तो ऐसे लोगों को ही तो कहता है भाग पता, ऐसे लोग भी तो अंधा है, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे लोग समझता है कि ये काम मेरा बेटा पिता भाई करेगा, मुझे गलत लगेगा, फिर भी वो कर रहा है। ऐसे लोग ही अंधे हैं। अंधा वो नहीं है जिसे दिखाई नहीं पड़ता, वो तो आंख का अंधा है। और हम लोग भीतर बाहर दोनों से अंधे हैं। देखत जो नहीं देखिए अदृष्ट कहावे, सबसे बड़ा अंधा कौन? जो देखते हुए भी नहीं देखता है वो अंधा। एक उदाहरण याद आ गया इस अंधे पर ही। एक अंधा आदमी था, दोनों नेत्र काम नहीं करते थे, लाठी के सहारे चलते थे। बहुत ऐसे नेत्रहीन आदमी हैं, अंधे आदमी लाठी सहारे चलते, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं वो। तो एक अंधा आदमी था, दोपहर का समय था, एक हाथ में जलती हुई लालटेन लिए हुए था। अब दोपहर के समय जलती हुई लालटेन की क्या जरूरत, दोपहर में तो सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। लेकिन वह अंधा एक हाथ में जलती हुई लालटेन और एक हाथ में लाठी लेकर चल रहा था, लाठी के सहारे जमीन को टटोल रहा था, सहारा ले रहा था, चल रहा था, हाथ में जलती हुई लालटेन थी, जा रहा था रास्ता। सामने तरफ से एक दूसरा जवान व्यक्ति आ रहा था और जवान व्यक्ति अपनी धुन में मस्त चल रहा था, एकदम पता नहीं किस धुन में किस विचार में डूबा हुआ था, एकदम मस्त चल रहा था। और चलते चलते जब दोनों पास पहुंचे तो जवान व्यक्ति जाकर उस अंधा आदमी से टकरा गया।
अंधा तो दिखा नहीं पड़ता है कि कौन आता कौन जाता है, लेकिन वो जवान भी विचारों में डूबा था, धुंध में मस्त जाकर उससे टकरा गया। टकराया तो अंधा जो था वो भी लड़खड़ाया, पर लेकिन हाथ में लाठी थी, इन लाठी के सहारे वो अंधा संभल गया, गिरा नहीं, और जवान आदमी टकरा करके गिर गया, धूल लग गई हाथ में, शरीर के अंगों में, कपड़ों में थोड़ी सी चोट लगी, उठा, धूल झाड़ा, कपड़े झाड़ा, सब कुछ किया, और अंधे से कहता है, अंधा कहीं का देखकर चलता नहीं है, तो अंधे ने कहा, भैया मैं तो अंधा हूं ही, मुझे दिखाई कहां पड़ता है, देखना तो तुम्हें चाहिए था, मैं तो अंधा हूं ही। तब अंधे ने कहा, उस जवान ने कहा, जब अंधे हो तो हाथ में जलती हुई लालटेन कहां बैठे हुए हो? तो उसने कहा, तुम्हारे जैसे अंधों को दिखलाने के लिए, तुम्हें तो देखना चाहिए था कि हाथ में लालटेन है, हम लोग भी ऐसे ही अंधे हैं, बस देखते हुए भी नहीं नहीं देख पाते हैं। आवश्यकता है अपने को संभालने की, जो काम हम पसंद नहीं करते, जो काम से सब प्रकार नुकसान है वो काम कर रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए। मैं कह रहा था कि हम जानते बुझते भी गलत काम करते हैं और इसलिए अंधे बने हुए हैं। आपको मालूम है दुनिया में जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, चाहे युवक की बुराई हो, चाहे शराबखोरी हो, चाहे भूत हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे मिलावटबाजी हो, चाहे काला बाजारी हो, चाहे और भी हो, जितने प्रकार की बुराइयां हैं जिसकी आप शिकायत आप करते, दुनिया बहुत खराब होगी, दुनिया बहुत खराब होगी, बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है, बड़ा ये है वो है, आप अच्छी तरह जानते हैं, टीवी में देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, हत्या होती है, व्यभिचार होता है, बलात्कार होता है, और मालूम कौन कौन सी बुराइयां दुनिया में हैं। ये जितनी बुराइयां हैं, जहां तक मैं समझता हूं, इनमें से 99.99% बुराइयां आंख वाले अंधे करते हैं। बिना आंख वाले अंधे ये बुराइयां नहीं करते। बिना आंख वाले अंधा कोई चोरी करता है क्या? देखा किसी अंधे को चोरी करते हुए? बिना आंख वाला अंधा मिलावटबाजी करता है क्या? बिना आंख वाला अंधा कोई बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार लेता है, घूस लेता है, कि क्या करता है बिना आंख वाला अंधा? ये आंख वाले जो अंधे हैं ना, ये सारी सारी बुराइयां यही लोग कर रहे हैं। तो अच्छा कौन, ज्यादा अच्छा कौन? जिनकी आंख है वो ज्यादा अच्छा है, जिनकी आंख नहीं वो ज्यादा अच्छा हुआ? फिर तो वो ज्यादा अच्छा है जिनकी आंखें नहीं है, कम से कम वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आदमी को क्या कहा जाए, हमारे तो बाहर के भी नेत्र हैं, भीतर के भी विवेक विचार के नेत्र हैं, लेकिन हम चाहते थे नेत्र से काम नहीं ले रहे हैं। पूरा अवसर मिला हुआ है अपने को सुधारने का, फिर भी सुधार कहां पा रहे हैं? तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर की पंक्ति, ना हरि भजस ना आदत श्रुति, मनुष्य ना हरि का भजन करता है और न इसकी गलत आदत छूटती है। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी आदतों का सुधार, जीवन में परिवर्तन, यह हरि का भजन है। सत्संग में क्यों आते हैं आप? जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। संत महात्मा कहा करते हैं कि सत्संग परिवर्तन स्थल है, बदलने की जगह है, लेकिन कौन सा परिवर्तन स्थल? जीवन का परिवर्तन स्थल। कितने ऐसे लोग हैं जो सत्संग में आते तो हैं, और क्यों आते हैं? कुछ लोग आते हैं जीवन में परिवर्तन करने के लिए, और कुछ लोग आते हैं किसमें परिवर्तन के लिए? जूता चप्पल परिवर्तन करने के लिए, वो भी आते हैं, पर दोनों भी चाहते हैं। अपने पुराने चप्पल पहनकर आए, थोड़ी देर बैठे और उठे और देखे जो अच्छी चप्पल नई चप्पल पहन करके चले गए, जीवन उनका परिवर्तन हो गए, ये तो और बिगाड़ हो गया जीवन का। तो सत्संग परिवर्तन स्थल है, जीवन का परिवर्तन स्थल, और जीवन को परिवर्तन करने का मतलब क्या हुआ? आदतों का परिवर्तन स्थल।
कर्मों में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, आप यहां आए हैं और बड़ी भावना के साथ आए। जितने भी लोग आए हैं सब बड़ी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आए हैं। आपके मन में लगन थी, प्रेम था, उत्साह था, भावना थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी, तभी आप आए हैं। न प्रेम होता, भक्ति होती, श्रद्धा कैसे आते आप? और आपके घर वाले भी कह रहे हैं, कोई आपके घर में जाए अभी अब पूछे आपका नाम लेकर के कि अमुक कहाँ है, तो घर वाले भी बहुत शौक से कह बताते हैं, वो तो सत्संग में गए हैं, वहां साहब जी आए हुए हैं, संत महात्मा आए हैं, सत्संग हो रहा है तो सत्संग में आ रहे हैं। उन्हें बताने भी गर्व होता है कि हमारे घर वाले, हमारे दादा बाबा भाई बेटा बहू सास सब सत्संग में गए हैं। उनके मन में भी अच्छी भावना है, आप लोग मन में भी अच्छी भावना है। अब आप यहां से जाओ, सुन रहे हैं ज्ञान की बात, जीवन बदलने की बात। अब जब यहां से जाओ तो जब घर में पहुंचो आप यहां से, तो यदि किसी की गलती को देख करके पहले आपके मन में उलझने की भावना थी, किसी की थोड़ी सी गलती देखकर आप उलझ जाते थे, क्रोध में आ जाते थे, कटु कहने लगते थे, झगड़ने लगते थे, जब यहां से जाओ और किसी गलती आपने देखी, शांत रह गए, चुप रह गए, कुछ कहा भी तो धीरे से कहा, प्रेम से कहा, उलझे नहीं, झगड़ा नहीं किए, तो घर वालों को भी लगेगा कि हां सत्संग में गए थे तो इनके जीवन में परिवर्तन आया, बदल गया। उनको प्रेरणा मिलेगी कि जैसे ये बदल गए ऐसे हम भी बदल सकते हैं, हमें भी जाना चाहिए। आप सत्संग में आए, आप जीवन में बदलाव हुआ, तो बदलाव आपके पहले आप क्रोध करते थे बात बात में, अब सहन कर लेते हैं, शांत रहते हैं। कोई गाली भी देता है तो आप मुस्कुरा देते हैं, अब लोभ नहीं करते या कोई गलत काम नहीं करते, तो आपके जो मित्र हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, वो भी कहेंगे भाई देखो इनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया सत्संग से, हमें भी जाना चाहिए, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आप यहां सत्संग में आए हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, जीवन निर्माण की बातें सुन रहे हैं, परिवर्तन की बातें सुन रहे हैं, सत्संग समाप्त हुआ, लौट करके आप घर गए, घर में आपने देखा कि बेटे ने कोई काम बिगाड़ दिया है, बहू ने कोई काम बिगाड़ दिया है, नौकर ने कोई काम बिगाड़ दिया है, कुछ हानि हो गई है, उसको देख करके आप एकदम भभक गए, क्रोध में आ गए, गाली बकने लगे, जो बात नहीं कहना चाहिए वो चाहिए वो बात कहने लगे, तब घर वाले सोचेंगे साहब लोग यही बताए का ही सत्संग में, आपकी बदनामी होगी और संतों की बदनामी हो, कहें भैया तब तो सत्संग जाने की जरूरत नहीं है, जब यही सीखना है, लड़ने के लिए सीखना है, गाली बकने के लिए सीखना है, तो सत्संग में जाकर के क्या करेंगे, उनके मन में कोई भावना नहीं जगेगी। इसलिए आप ये चाहते जैसे आप भक्ति भावना पूर्वक आए हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपके बेटे बहू भाई पिता के जीवन में भी कुछ दोष है, दुर्गुण, उनकी गलत आदत वो सुधरे, तो पहले आप अपना सुधार करिए, जब आप सुधरेंगे तो अन्य लोग भी सुधरेंगे। तो ना हरि भजस ना आदत छूटी, सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य हरि का भजन नहीं करता और न इसकी आदत छूटती है। असली हरि भजन आदतों का सुधार, बुराइयों का सुधार, जीवन का परिमार्जन। एक बढ़ई अनगढ़ लकड़ी को लेता है, बतला रुखान और अन्य औजार की सहायता से उसे छील करके, रेंद करके सुंदर फर्नीचर बना देता है, सुंदर आकार दे देता है। लकड़ी वहीं पड़ी थी कहीं पर, बेडौल पड़ी थी, बढ़ई के हाथ में पड़ी लकड़ी, लकड़ी ने मेहनत की, छीला, रौंदा और सुंदर फर्नीचर बना दिया। एक पत्थर कहीं सड़क किनारे पड़ा हुआ था, कोई उधर ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन वही पत्थर एक मूर्तिकार के हाथों में पड़ा और मूर्तिकार ने उसे छीनी, हथौड़ी के माध्यम से छीनना शुरू किया, ठोकना शुरू किया और ठोंकते ठोंकते छील छील करके उस पत्थर को सुंदर मूर्ति बना दिया और एक चौराहे पर स्थापित कर दिया, मंदिर स्थापित कर दिया। अब जो भी देखता है उस मूर्ति को, सब का मन मोहित हो जाता है
और लोग उसे अब हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अनगढ़ पत्थर था, उसको कोई ताकता भी नहीं था, अनगढ़ लकड़ी थी, किसी देखने का मन नहीं कहता था, लेकिन वही लकड़ी एक बढ़ई के हाथ में पड़ी, वही पत्थर एक मूर्ति का बनाने के वाले हाथ में पड़ा, अब बड़ा कीमती हो गया, बड़ा मनमोहक हो गया। हमारा जीवन तो बड़ा सुंदर जीवन था, बढ़ई अनगल लकड़ी को सुंदर फर्नीचर बनाता है, मूर्ति बनाने वाला अनगढ़ पत्थर को सुंदर मूर्ति बनाता है, सुनार अनगढ़ चांदी को, अनगढ़ सोना को सुंदर गहने बना देता है, लेकिन हम लोग सुंदर जीवन को रोज रोज खराब करने में लगे हुए हैं। ये मानव जीवन कितना सुंदर जीवन। सदगुरु कबीर कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त थे। ख्याल करें, बच्चा जब शिशु रूप में पैदा होता है, कौन सी गलत आदत उसके जीवन में होती है? क्या वो बीड़ी पीकर सीकर पैदा होता है? क्या तंबाकू खाते खाते पैदा होता है? सिगरेट पीते, शराब पीते पीते से पैदा होता है? जुआ खेलना सीख करके पैदा होता है? क्या क्या वो छोटे बच्चे को गाली देने आता है, झूठ बोलने आता है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, मारपीट करना आता है? कितना साफ पाक जीवन, एकदम मुक्त जीवन है। कोई दोष नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई कुटे नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं, एकदम साफ पाक जीवन। ऐसा जीवन हमको मिला, सुंदर जीवन, और उस जीवन को हम रोज रोज खराब कर रहे हैं। हमारा जीवन खराब है, इसकी पहचान क्या है? कैसे कहें कि हमारे किसी जीवन खराब है? सुंदर कपड़ा पहना है आदमी, सुंदर बाल संवारा है, और सब कुछ किया हुआ है, शरीर चमक रहा है, कपड़ा साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, घर भी दिखाई बड़ा दिखाई पड़ रहा है, घर भी चमक रहा है, खेती करता है, नौकरी करता है, वो काम भी बढ़िया करता है, तो कैसे माना जाए कि उसका जीवन खराब है? कि ठीक, बढ़िया मकान बना लिया, मकान चमचमा रहा है, बढ़िया दुकान बना लिया, दुकान में खूब उन्नति हो रही है, बिक्री हो रही है, अच्छी खेती करता है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छा कपड़ा पहना है, शरीर को खूब धोया पोंछा है, तेल लगाया है, खूब चमक रहा है, सब बढ़िया चमक रहा है, पहचान क्या है कि जीवन खराब है? बाहर तो सब तो ठीक है, ये देखो कि मन प्रसन्न है या नहीं, मन में कोई दुख तो नहीं है? यदि मन में चिंता है, मन में भय है, मन में क्लेश है, मन में तनाव है, मन में पीड़ा है, ये पहचान है जीवन खराब होने का। मकान बना लिया वो तो अलग बात है, मकान क्या करेगा? मन तो जल रहा है ना, मन में जलन है, चिंता है, पीड़ा है, पत्नी को देख करके पति का मन गुस्सा में भर गया, पति को देखकर पत्नी का मन कूढ़ गया, सास को देखकर बहू का मन गुस्सा से भर गया, बहू का मन करवाहट से भर गया, बहू को देख करके सास के मन में गुस्सा आ गया। यह है मन खराब होने की, जीवन खराब होने की पहचान। अब होता है या नहीं होता है देखो, सब हम जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, यहां हम लोग मंच पर बैठे हैं, वे लोग आप लोग नीचे बैठे हैं, वे लोग, हम लोग सब के सब अपने अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन बन रहा है या बिगड़ रहा है। आज किस स्थिति में हम जी रहे हैं? क्या हमारे मन में आज कोई चिंता नहीं है? क्या आप ये कह सकते हैं मेरा सब दुख एकदम समाप्त, मन मेरा हर समय प्रसन्न रहता है? जिसका मन हर समय प्रसन्न है, किसी ने गाली दे दिया तो मन प्रसन्न, किसी ने अच्छी बात कह दी, सम्मान कह दिया, प्रसन्नता कर दिया तो मन प्रसन्न, उसका जीवन सुंदर है। किसी ने अपमान किया तो मन प्रसन्न, किसी ने सम्मान किया तो मन प्रसन्न, हानि हो गई तो मन प्रसन्न, लाभ हो गया तो मन प्रसन्न, तब जीवन सुंदर है। हर स्थिति में जीवन सुंदर, खाने बैठे मेरा मिष्ठान हलवा पूरी मालपुआ आ गया तो मन प्रसन्न, खाने बैठे सूखा भात और नमक मिल गया तो मन प्रसन्न, तब समझो जीवन सुंदर बना हुआ है।
मन सुंदर बना हुआ है, और खाने बैठे सब्जी में थोड़ा सा नमक कम हो गया या पत्नी ने मिर्चा नहीं डाला और सब्जी अब जीभ में आपने मुंह में आप सब्जी ले गए मिर्चा नहीं पड़ा बस पत्नी के लिए गाली गलौज, तो कहां मन प्रसन्न है, कहां जीवन प्रसन्न है? ये जीवन प्रसन्नता का लक्षण थोड़े है। अरे नमक नहीं पड़ा कोई बात नहीं, बिना नमक के खा जाओ कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे हम लोग नमक खाने के अभ्यासी बन गए हैं, इसलिए बिना नमक के हमें भोजन अच्छा नहीं लगता। हमारे बगल में देश है चीन, वहां नमक पड़ता ही नहीं किसी चीज में। मांस खाएंगे उबाल कर खाएंगे, छौंकेंगे नहीं, तेल नहीं डालेंगे, मसाला नहीं डालेंगे, मांस उबालेंगे वैसे खाएंगे, नमक भी नहीं डालेंगे, बिना नमक के खाते हो तो वो जिंदगी बिना नमक के खा रहे, तो एक दिन आप बिना नमक के खा दो तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? ये समझ लो कि एक दिन सब्जी में नमक नहीं पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आएगी, रात में या जीवन में कोई कठिनाई हो जाएगी। एक दिन बिना नमक के भोजन खा लो, क्यों गुस्सा कर रहे हो पत्नी पर, भूल गई? जब वो भोजन खुद करेगी तो पता होगा तो दूसरे दिन साधारण रहेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? कहां ऐसा होता है? जरा सा प्रतिकूल हुआ मन के बड़बड़ाने लग गए, नहीं कहने योग्य बात कहने लग गए, कहां जीवन ठीक, कहां मन प्रसन्न है? तो जीवन सुंदर कैसे बना फिर? हम तो बिगाड़ रहे हैं अपने आप को। बाहर कितनी संपन्नता हमारे पास है, कितना बड़ा आपने मकान बनाया, कितनी जमीन आपने बढ़ाई, कितनी बड़ी नौकरी करते हैं, कितना पैसा आपने जमा कर लिया, ये सब कोई बड़ा महत्व नहीं है। ठीक है, भौतिक स्तर में इस अपना में एक महत्व मान लो, लेकिन ये जीवन की सफलता के मानदंड नहीं है। जीवन की सफलता के मानदंड यह है कि हमारा मन प्रसन्न हो, और मन प्रसन्न कैसे होगा? जब मन निर्मल होगा, सहनशीलता होगी मन में, प्रेम होगा मन में, एकता होगी मन में, क्षमा होगी मन में, दया होगी, करुणा होगी, समता होगी, तब मन निर्मल होगा। दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का आचरण, ये जीवन सुंदर बनाने की प्रेरणा है। अब ये सब आप जानते हैं, लेकिन व्यवहार में जानते हैं। दुर्गुण अपने आप आते हैं, सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए, सद्गुणों को टिकाने के लिए, उनको आचरण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह रहा था कि दुर्गुण कब पैदा हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन सद्गुणों को अपनाने के लिए, धारण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहां अधिकतम किसान बैठे हैं, आप खेत में धान गेहूं चने के बीज बोते हैं, कभी आप खेत में घास के बीज भी बोते हैं? घास तो अपने आप उगाती, कोई किसान घास के बीज नहीं बोता है खेत में, अपने आप घास उगती है, लेकिन उस घास को निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, और यदि घास को ना निकालें तो क्या होगा? जो धान बोया है आप, जो गेहूं बोए हैं, सब घास उस गेहूं और धान के बीज को, फसल को खा जाएगी, फसल नहीं होगी फिर। यद्यपि आपने घास बोया नहीं, बोया है धान, घास अपने आप उगी, और उनको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धान को निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई निकालता नहीं है। ऐसे ही जीवन में कुसंग से एक दूसरे को देख करके दुर्गुण अपने आप पैदा हो जाते हैं, सद्गुणों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और दुर्गुणों को दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक हम दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे तब तक सद्गुण जीवन में नहीं आ पाएंगे और आगे की यात्रा हो नहीं पाएगी। आध्यात्मिक जो ऊंचाई है, कल्याण है, आत्म शांति है, वो तो दूर ही रह जाएगी। जीवन को हम सही ढंग से सुख से कहां जी पाएंगे? और हर आदमी सुख से जीवन जीना चाहता है, और इसके लिए सदगुरु कहते हैं कि अपनी जो बुराइयां, अपनी जो आदत है, इनका त्याग करो, ये असली हरि भजन है।
बाहर जितने भजन हैं सब औपचारिक हैं, बाहर बाहर के, उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। जीवन का निर्माण कैसे होगा, हम लोगों को संतों के शरण में जाकर के सीखना होगा, जानना होगा, और जान करके जो आदत हमने बिगाड़ ली है अपनी उसके हमें सुधार करना होगा।